गैल्वेनोमीटर एक वो डिवाइस होता है जो करंट की प्रेजेंस को भी बताता है और करंट की डायरेक्शन को भी बताता है, और कुछ हद तक हमको ये भी पता चल जाता है कि करंट की एम्पलीट्यूड ज़्यादा है या कम है। उसका एक बड़ा सिंपल तरीका है, गैल्वेनोमीटर की नीडल अगर सेंटर पे है तो इसका मतलब देर इज़ नो करंट इन द सर्किट, और अगर गैल्वेनोमीटर का नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ, इसका मतलब देर इज़ सम करंट इन द सर्किट। थोड़ा और ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ तो इसका मतलब करंट की मैग्नीट्यूड बढ़ गई, वैल्यू ऑफ करंट ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। अब एक तो नीडल के मूव करने से ये पता चला कि करंट प्रेजेंट है सर्किट में, नीडल ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो कर रहा है इससे ये पता चला कि करंट की एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा है। एक और चीज़ पता चलती है कि अगर नीडल का डायरेक्शन पहले लेफ्ट था अब राइट साइड हो गया, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट सर्किट के अंदर बदल गई, पहले अगर क्लॉकवाइज थी तो अब हो गई एंटी क्लॉकवाइज। तो गैल्वेनोमीटर के तीन यूजेस हो गए बेसिकली, करंट की प्रेजेंस को बताना, करंट की वैल्यू के बारे में कुछ अंदाज़ा देना, और तीसरा डायरेक्शन ऑफ करंट।